वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रहीं। उन्होंने पार्टी को शैशव काल से, राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी, शी वर्क्ड डे इन एंड डे आउट फॉर द आइडियोलॉजी एंड फॉर ट्राइंग टू सी टू इट दैट द आइडियोलॉजी ग्रोज इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में, हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। एंड दिस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज अ से एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप द पार्टी। सो आई एम वेरी श्योर दैट ही विल ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी एंड सी टू इट दैट भारतीय जनता पार्टी इज एन rightful instrument in changing the destiny of our country and developing it, aur isko jisko hum kehte hain ki param vaibhav par le jane mein jo rajnitik drishti se ek astra ke roop mein party kaam kar rahi hai uska sadupyog karte hue aapka bhi yogdan hum sabko milega, aisa mera vishwas hai। inhi shabdon ke sath main Jyotiraditya ji ko swagat karta hu aur main ye bhi chahunga ki woh aaj इस घड़ी में अपनी बातों को रखें, यहाँ उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त तरीके से अपनी बात को रखने का पूरा वातावरण है।